हेलो क्लास, मैं पवन मिश्रा। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, एजुकेशन फिलॉसफी ऑफ फ्रेडरिच विलहेल्म ऑगस्ट फ्रोबेल, जिनको शॉर्ट में फ्रोबेल नाम से जाना जाता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि फ्रोबेल का एजुकेशन में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, इन्होंने एजुकेशन को क्या दिया है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने अपने चाइल्डहुड में एजुकेशन की स्टार्टिंग ही केजी से की होगी। केजी, जिसका फुल फॉर्म है किंडरगार्टन। तो ये केजी का कंसेप्ट किसने दिया? तो ये कंसेप्ट जो दिया था केजी का, फ्रोबेल ने, जिन्होंने बताया कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी केयर किस तरह से की जानी चाहिए, उसको किस तरह से एजुकेट किया जाना चाहिए, उसके साथ कौन कौन सी एक्टिविटी करवाई जानी चाहिए। तो आज हम फ्रोबेल की इस एजुकेशनल फिलॉसफी की बात करेंगे, हम किंडरगार्टन की बात करेंगे। तो आप सब वीडियो को आखिरी तक देखिए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछिए, और वीडियो अच्छी लगे तो अपना फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। तो अगर सबसे पहले हम फ्रोबेल की लाइफ की बात करें, तो उनका जन्म 21 अप्रैल 1782 जर्मनी में हुआ था। उनके फादर एक पादरी थे और मदर हाउसवाइफ थी। फादर पादरी थे, मतलब घर का जो एनवायरनमेंट था रिलीजियस रहा होगा, जिनका फ्रोबेल की लाइफ पर काफी असर हुआ। ही डाइड ऑन जून 21 1852, कि 1852 में उनका डेथ हुआ, उनका निधन हुआ। अगर इनके एजुकेशनल फिलॉसफी की हम बात करें, तो फ्रोबेल ने ऑब्जर्व किया कि जिस तरह से एक सीड में, एक बीज में पूरा ट्री होता है, लेकिन वो सीड ट्री कब बनता है? जब उसकी प्रॉपर देखभाल की जाए, जब उसको सही से सोइल दिया जाए, वायु दी जाए, पानी दी जाए, सनलाइट दी जाए, तो जब उसकी प्रॉपर केयर किया जाए तब जाकर वो एक सीड पूरा ट्री बनता है। उसी तरीके से हर बच्चा, हर स्टूडेंट अपने आप में यूनिक होता है। अगर उसकी प्रॉपर देखभाल की जाए, उसको एक अच्छी एजुकेशन दी जाए, तो उसकी भी पर्सनैलिटी डेवलप हो सकती है, वो भी आगे चलकर कुछ कर सकता है। तो इसलिए फ्रोबेल ने एजुकेशन को, और स्पेशली चाइल्ड एजुकेशन को, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। तो जिस तरह से एक सीड की प्रॉपर देखभाल करके उसका ट्री बनाया जा सकता है, उसी तरीके से एक बच्चे को एक अच्छी एजुकेशन देकर उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप किया जा सकता है। तो फ्रोबेल ने एजुकेशन के बारे में क्या कहा? एजुकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच द इनर क्वालिटीज ऑफ चिल्ड्रन कैन बी ब्रॉट आउट, कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चों के आंतरिक गुणों को बाहर लाया जा सकता है। और इनकी जो फिलॉसफी थी, जो किंडरगार्टन की बात करते हैं, स्पेशली 4 ईयर से लेकर 8 ईयर के जो स्टूडेंट थे उनके लिए इन्होंने अपनी फिलॉसफी दी, बात कही कि इन बच्चों को किस तरह से एजुकेशन दी जानी चाहिए, किस तरह का करिकुलम होना चाहिए, किस तरह की एक्टिविटी होनी चाहिए, किस तरह के टीचर्स होने चाहिए, स्कूल कैसा होना चाहिए। तो ये सारी बात इन्होंने अपनी फिलॉसफी में कही। फ्रोबेल्स एजुकेशनल प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन आइडियलिस्टिक फिलॉसफी एंड साइकोलॉजी, कि फ्रोबेल के जो भी ये शैक्षिक सिद्धांत थे वो आदर्शवादी दर्शन और मनोविज्ञान पर आधारित है। और इनका जो कंट्रीब्यूशन था एजुकेशन में, वो किस नाम से जाना जाता है? किंडरगार्टन सिस्टम, या बालवाड़ी प्रणाली के नाम से जाना जाता है। यही एजुकेशन में इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। प्रिंसिपल्स ऑफ किंडरगार्टन, किंडरगार्टन का सिद्धांत क्या क्या है? तो सबसे फर्स्ट अगर बात करें, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी, एकता का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इनर एबिलिटीज, कि बच्चों की जो इनर एबिलिटीज है, आंतरिक क्षमताएं हैं, उसको विकसित करना, बच्चों में यूनिटी को डेवलप करना। प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम, बच्चों को फ्रीडम देना सीखने के लिए, करने के लिए, स्वतंत्रता का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ एक्टिविटी, कि जो लर्निंग बाय डूइंग, कि बच्चा खुद से करके सीखे, स्वक्रिया का सिद्धांत। खेल खेल में पढ़ने का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय प्ले। प्रिंसिपल ऑफ सोशल पार्टिसिपेशन, कि अगर हम एक स्कूल को कहते हैं मिनिएचर ऑफ सोसाइटी, तो वहां पे जो भी बच्चों को एक्टिविटी कराई जाए, ग्रुप में कराई जाए, मिलकर कराई जाए, ताकि जो सोशल डेवलपमेंट है उनका चाइल्डहुड से ही होना स्टार्ट हो जाए। तो इनके जो किंडरगार्टन के जो प्रिंसिपल थे, कि यूनिटी को डेवलप करना, बच्चों की जो इनर एबिलिटी से आंतरिक क्षमताएं उसका विकास करना, बच्चों को फ्रीडम देना सीखने के लिए, खुद से करने के मौके देना, सेल्फ एक्टिविटी, लर्निंग बाय प्ले, खेल खेल में सिखाना, और सोशल पार्टिसिपेशन भी करवाना।
अगर वर्किंग ऑफ किंडरगार्टन की बात करें, किंडरगार्टन की कार्य पद्धति, तो धार्मिक और नैतिक शिक्षा, जैसे मैंने बोला कि इनका जो घर का एनवायरनमेंट रिलीजियस था, जिनका उन पर इम्पैक्ट पड़ा, तो रिलीजियस एंड मॉरल एजुकेशन, ट्रेनिंग ऑफ सेंस ऑर्गन्स, की बच्चों को जो भी सिखाया जाए उनके सेंस ऑर्गन से सिखाया जाए, सेंसेस के थ्रू सिखाया जाए, पढ़ने लिखने का शिक्षण, टीचिंग ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग, कि बच्चों को पढ़ना और लिखना सिखाया जाए खेल खेल में, गणित शिक्षा, एजुकेशन ऑफ मैथमेटिक्स, जो सिंपल मैथमेटिक्स होती है, आपने देखा होगा कि माचिस की जो तिल्लियां होती हैं उनसे भी बच्चों को मैथ सिखाई जा सकती है, जो अलग अलग बोल्स होते हैं छोटे छोटे उनसे भी मैथ सिखाई जा सकती है। तो खेल खेल में चाहे बच्चों को भाषा सिखाई जाए, चाहे उनको मैथ सिखाई जाए, तो इस तरह से का मतलब करिकुलम हो, इस तरह की मेथड्स हो जहाँ पे बच्चों को लर्निंग बाय फन, फन के थ्रू सिखाया जाए, खेल, शारीरिक व्यायाम और संगीत, गेम्स, फिजिकल एक्सरसाइज एंड म्यूजिक। तो एक जो किंडरगार्टन की आप कह सकते हो कि कार्य पद्धति थी। अगर हम एम्स की बात करें, आत्मानुभूति, सेल्फ रियलाइजेशन, फिजिकल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, तो एम्स ऑफ एजुकेशन थे किंडरगार्टन के। अब आप एक अगर क्वेश्चन आए कि सेल्फ, छोटे बच्चों का सेल्फ रियलाइजेशन कैसे हो सकता है, तो जब बच्चा छोटा होता है तो धीरे धीरे जब सबके साथ मिलता है, खेलता है, तो कहीं ना कहीं उसको अपने बारे में पता होता है, अपने इंटरेस्ट के बारे में धीरे धीरे जानने लगता है कि उसको क्या पसंद है क्या ना पसंद है। तो छोटे लेवल से ये चीजें स्टार्ट हो जाती है। तो बच्चों को इस तरह से सिखाएं ताकि बच्चा अपने बारे में जाने, खुद को जाने, खुद को समझे, खुद को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद ये समझ सके। तो ये सेल्फ रियलाइजेशन बचपन से ही हो सकता है, होना शुरू हो जाता है। चारित्रिक विकास, कैरेक्टर डेवलपमेंट, तो ये एम्स ऑफ एजुकेशन है किंडरगार्टन के, फ्रोबेल के। करिकुलम किस तरह का होना चाहिए, तो द करिकुलम शुड बी बेस्ड ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट, कि करिकुलम ऐसा हो जो ह्यूमन को ह्यूमन बनाए, तो मानव विकास पर आधारित होना चाहिए, कि जो करिकुलम हो जो बच्चा सीखे उसको अपनी लाइफ में यूज कर सके। पाठ्यक्रम क्रिया आधारित होना चाहिए, द करिकुलम शुड बी बेस्ड ऑन एक्टिविटी, कि जो भी करिकुलम है वो एक्टिविटी के आधार पर होना चाहिए, कि बच्चों को जो भी चीजें सिखाई जाए, जो भी कराई जाए, एक्टिविटी के थ्रू कराई जाए। ऑल सब्जेक्ट एंड एक्टिविटीज ऑफ द करिकुलम शुड बी इंटर रिलेटेड, कि करिकुलम में जो भी, चाहे मैथ है चाहे लैंग्वेज है, जो भी कराया जाए सब एक दूसरे से रिलेट करा के पढ़ाई जाए, ताकि बच्चा अगर मैथ करे तो उसका लैंग्वेज के साथ उसको लिंक कर सके। तो जो भी सीखे जो भी करे बच्चा, उसको जो भी सब्जेक्ट पढ़े एक दूसरे से इंटर रिलेट करके पढ़ाया जाना चाहिए, और जो भी सीखे उसको अपनी लाइफ में यूज कर सके, अपनी लाइफ से लिंक कर सके। द सब्जेक्ट एंड एक्टिविटीज ऑफ द करिकुलम शुड बी डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू द फिजिकल एंड मेंटल कैपेबिलिटीज ऑफ द चिल्ड्रेन, कि बच्चों की शारीरिक और मानसिक क्षमता के अनुसार विषयों और पाठ्यक्रम की गतिविधियों का निर्धारण किया जाना चाहिए, कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं बच्चों में, आप सबको पता है, तो उनकी जो भी क्षमताएं हैं उसके हिसाब से बच्चों को एक्टिविटीज कराई जानी चाहिए। टीचिंग मेथड्स क्या क्या होने चाहिए, तो सेल्फ एक्टिविटी मेथड होना चाहिए, सेल्फ लर्निंग मेथड होना चाहिए, प्ले वे मेथड होना चाहिए, स्टोरी टेलिंग मेथड एंड नर्सरी राइम्स, बाल कविताएं। तो ये जो मेथड्स हैं इनके थ्रू हम बच्चों को सिखा सकते हैं, ठीक है। तो स्पेशली आप याद रखना, इन्होंने जो भी इनकी जो किंडरगार्टन की फिलोसफी थी 4 ईयर से लेकर 8 ईयर्स तक के फ्रेंड के लिए थी, तो ये सारी चीजें उन्होंने इस एज ग्रुप के लिए बताई है। स्कूल किस तरह से होना चाहिए, तो फ्रोबेल ने स्कूल को एक गार्डन से कंपेयर किया है, कि स्कूल कैसा होना चाहिए, गार्डन की तरह होना चाहिए, और टीचर कैसे होनी चाहिए, गार्डनर की तरह होना चाहिए, और जो स्टूडेंट है वो फ्लावर्स की तरह, प्लांट्स की तरह होना चाहिए। तो एक स्कूल एक गार्डन की तरह हो जहाँ पे जो बच्चे हैं, जो फ्लावर्स हैं, वो खिल सके, उनकी प्रॉपर देखभाल हो सके। तो स्कूल को इन्होंने गार्डन बोला है। द गार्डन इज लाइक एन एनवायरमेंट वेयर द गार्डनर टेक्स केयर ऑफ द ट्रीज एंड प्लांट्स, की उद्यान एक ऐसा वातावरण की तरह है जहां टीचर रूपी माली पेड़ पौधों बच्चों की देखभाल करता है। इट हैज प्योर एंड कूल एयर, प्लीजेंट एंड पीसफुल एनवायरमेंट, की जहाँ पे शुद्ध और शांत हवा हो, सुखद और शांतिपूर्ण वातावरण हो, तो इस तरह का स्कूल होना चाहिए गार्डन की तरह। और अगर टीचर की बात की, तो फ्रोबेल के अनुसार जो है, फ्रोबेल का मानना था कि अगर स्कूल गार्डन की तरह हो तो टीचर भी एक गार्डनर की तरह हो, जिस तरह से एक गार्डनर प्लांट्स की, ट्री की देखभाल करता है, उसी तरीके से जो टीचर है बच्चों की देखभाल करे, उनकी केयर करे।
टीचर शुड बिहेव विद चिल्ड्रन लाइक अ मदर, इनसेंसिटिव एंड मदरली वे, ठीक है, कि टीचर ऐसा हो जो बच्चों के साथ एक माँ की तरह व्यवहार करे। तो इसलिए उन्होंने प्राइमरी स्टेज पर, इस केजी जो स्तर है इस पर उन्होंने कहा कि जो टीचर्स हैं वो फीमेल होनी चाहिए। और अगर स्टूडेंट की बात करें तो स्टूडेंट का उन्होंने फ्लावर से, ट्री से, प्लांट से कंपेयर किया है, ठीक है। ही कंसिडर्ड द स्टूडेंट एज द सेंटर ऑफ एजुकेशन प्रोसेस। तो उन्होंने चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की बात की है कि एजुकेशन के सेंटर में स्टूडेंट को होना चाहिए। इन्फेंट शुड बी गिवन फ्री अपॉर्चुनिटी फॉर देयर डेवलपमेंट, कि बच्चों को, जब बच्चा छोटा होता है तो उसको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, उसको अवसर देना चाहिए खुद से करके सीखने का। प्लानिंग ऑफ एजुकेशन फॉर द इन्फेंट्स शुड बी बेस्ड ऑन द नेचुरल एबिलिटीज, इंटरेस्ट एंड द नीड ऑफ द इन्फेंट्स, कि शिशुओं के लिए शिक्षा की योजना उनकी प्रकृति, क्षमता, उनके हित, आवश्यकता पर आधारित होने चाहिए। कि बच्चों के लिए जो भी करिकुलम बनाया जाए, जो भी एक्टिविटी बनाई जाए, उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाए कि उनको क्या पसंद है, क्या नापसंद है, किस तरह से वो सीख सकते हैं। तो इन चीजों को ध्यान में रखकर ही ये चीजें निर्धारित की जाए, डिसाइड की जाए और बच्चों को सिखाया जाए। डिसिप्लिन, तो उन्होंने सेल्फ डिसिप्लिन की बात की है, सेल्फ कंट्रोल डिसिप्लिन की बात की है, कि ऐसा एनवायरमेंट जहां पे बच्चा खुद से डिसिप्लिन में रहना सीख सके। अगर हम इनके कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो फ्रोबेल्स एजुकेशनल प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन आइडियलिस्टिक फिलोसफी एंड साइकोलॉजी, कि इनकी जो भी फिलोसफी है ये आदर्शवादी दर्शन और मनोविज्ञान पर आधारित है। इन्होंने अपनी फिलोसफी में 4 ईयर्स से लेकर 8 ईयर्स तक के जो बच्चा है, जो एज ग्रुप है, उसके बारे में उन्होंने अपनी फिलोसफी, अपनी बातें कही कि किस तरह का करिकुलम होना चाहिए, किस तरह की क्लासरूम होनी चाहिए, किस तरह की एक्टिविटी होनी चाहिए, किस तरह से बच्चों की केयर की जानी चाहिए, किस तरह से बच्चों को सिखाया जाना चाहिए। किंडरगार्टन सिस्टम इन हिज कंट्रीब्यूशन टू द एजुकेशनल फील्ड, की एजुकेशन फील्ड में उनका जो कंट्रीब्यूशन है किंडरगार्टन के रूप में या बालवाड़ी के रूप में था। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।